अस्पताल में जाते हैं तो डर लगने लगता है, बिकॉज जनरली आप चेकअप कराने जा रहे होते हैं और आपको तो होता है सब अच्छा है, लेकिन आज जाके मजा आ रहा था क्योंकि लॉन्च है ना अभी तो. बट यार पहली बात तो आई थिंक शेट्टी परिवार को बहुत बहुत मुबारक है. आई थिंक मेरे हिसाब से इस एरिया में ऐसा एक हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी था. एंड कंग्रेचुलेशन टू यू राजेश. एंड मेरे ख्याल बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सबकी जो ज़रूरतें हैं वो यहाँ पे पूरी होंगी. यस मनीष जी, एंड वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. यस एंड इट इज हिज हाइनेस दैट ही हैज ऑब्लाइज्ड इनटू माय रिक्वेस्ट बिकॉज ही इज आल्सो मोस्ट फॉन्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड अदर थिंग्स. एंड सो वी दिस इज अ 60 बेडेड हॉस्पिटल दैट वी बिल्ड. डॉक्टर शेट्टी हैज आल्सो कम. So 60 bedded hospital that we built with the ICUs. We have four other hospitals: Malad, Mira Road, Boisar, Bangalore. So this is the fifth setup that we have opened to the betterment or to create a better healthcare community around Andheri West. Sir, we wanted to know from you that जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पर मुंबई में, इस ब्रांच में कितने बेड्स होंगे, क्या क्या फैसिलिटीज होगी, अगर उस बारे में कुछ बताएं. So this is a 50 bed hospital with the boutique style. We do a lot of surgeries where, you know, it's like one day surgeries and the evening you can go home or the next day. Then we have advanced laparoscopy systems. We have bought it from the Olympus and we have a good arthroplasty surgeons. We can do a TKR. आजकल आपने देखा होगा धोनी का जो सर्जरी किया है, वैसे डॉक्टर्स यहाँ पे आके ये फैसिलिटी को यूज़ करेंगे. और जो रोबोटिक सिस्टम है वो भी हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करने वाले हैं. काफ़ी सारा एडवांस सिस्टम्स है और उसकी वजह से अंधेरी जैसा जो एरिया है, चूहू, विलेपार्ला, लोखंडवाला, तो वहाँ के जो मेन जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए ये सुविधा है. हालांकि इफ़ यू से कॉस्ट वाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. लोगों का जो जहाँ पे भी हॉस्पिटल है, इफ़ यू कंपेयर टू एनी अदर हॉस्पिटल्स ऑफ द मुंबई, सबब का हमारा जो मलाड का हॉस्पिटल है, इट्स 150 बेड्स हॉस्पिटल. The rates are around 50% of the normal institutes of the. तो मेरे ख्याल मोटी मोटी बात ये है, जिसको भी आना हो प्लीज यहाँ पे आओ, है ना? सर, why Manish for this inauguration? तुम्हें हेल्दी नहीं दिख रहा, तुम्हें इसलिए बुलाया मुझे कि हेल्दी दिखता हूं, हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं हम, है ना? मनीष हैज बीन अ गुड फ्रेंड टू अस एंड ही हैज लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट हेल्थ केयर एंड ही इज वेरी कीन. व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट हॉस्पिटल्स ही ऑलवेज टेक्स कीन इंटरेस्ट कि क्या फैसिलिटीज है, व्हाट इज द लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी. एंड आई मीन नहीं यार, और मैं एक बात एक्चुअली कहना चाहता हूं, हॉस्पिटल से जनरली जैसे मैंने पहले भी कहा था, बड़े लोग ना डर जाते हैं कि हॉस्पिटल जाना है. अरे यार मेरे ख्याल सबको हॉस्पिटल जाके अपने रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. यू नो हॉस्पिटल डजंट जस्ट मीन कि कोई सर्जरी होनी है, कुछ होना है, चलिए वो भी होता है, लेकिन डॉक्टर्स को फ्रेंड बना लो, क्योंकि अगर हमें हेल्दी रहना है तो ये बहुत ज़रूरी है. नॉर्मल चेकअप्स जो होते हैं वो डेफिनेटली हर इंसान को ज़रूर कराना चाहिए. हाँ जी, नहीं उसका हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं था. हाँ, जो लोग हंस हंस के गिर गए हों, अगर भगवान न करे उनको चोट आई तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं. मनीष, आपसे पूछना चाहूंगी, आज भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है. जी हाँ, चंद्रयान 3 लॉन्च. यस एब्सोल्युटली, 233 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देखा, एग्जैक्टली. क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं. हम लोग सोच भी नहीं सकते वो लोग कितनी मेहनत डालते हैं, कितनी रिसर्च होती है. हमारे लिए बड़ा अच्छा है, हम इंस्टाग्राम पे बैठ के देख के ताली बजा सकते हैं. बट आई जस्ट फील कि ये जो हमारी कंट्री के लिए प्यार है, इसरो के लिए प्यार है, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो हम दुआएं कर सकते हैं, दिल से करो. सिर्फ इंस्टाग्राम तक लिमिटेड मत रहो, यहाँ से फील करो. और मनीष, आपको मैन इन मैनी शेड्स हमने तो देख लिया, इसके बाद हम आपके कौन सा अवतार हम देख सकते हैं? अब मुझे लग रहा है मैं एक डॉक्टर का रोल करना चाहता हूँ. यहाँ आके मेरी आंखें खुल गई, यहाँ पे बड़े कमाल के डॉक्टर मुझे अंदर मिले, तो मैं अगला वो भी करना चाहता हूँ. थैंक यू मैम, थैंक्स एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट. मत सर, दिस इज अ टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम हर. थैंक यू. यही मैं अभी कह रहा था इनसे कि ये एरिया में यहाँ पे एक हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ से हम लोग जाते, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर दूर डिस्टेंस तक हॉस्पिटल नहीं है. तो तुंगा हॉस्पिटल ओपन किया है राजेश और उनके ब्रदर सतीश और प्रसाद जी, इन लोग में शेट्टी. मैं आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देगा, ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है. एंड बहुत सारी चैरिटी भी आप इसमें कर रहे हो, मुझे भी पता है कि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है.
कि मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ पे ये सम्मान दिया। फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिट होना बहुत ज़रूरी है, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ आजकल। तो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, ICU रूम देखा मैंने, ओपनिंग किया और बहुत ही सेफ्टी से हर चीज़ उन्होंने क्लीन और बहुत ही कमाल का ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बहुत मुश्किल से ऐसे हॉस्पिटल दिखते हैं ये तुंगा, क्योंकि तुंगा हॉस्पिटल में ये खासियत बात है कि आप पेशेंट्स की केयर और बहुत अच्छी तरह से करें। मैं इनके वो मालाड वाले वहाँ पे भी गया हूँ, तो बस यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट नहीं आए, आए तो अच्छा होके जाए। तो देखिए क्या है, राजेश सिटी जी हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, और कोविड के दौरान जो है इन्होंने पूरी जो कम्युनिटी थी, डॉक्टर शेट्टी जो पूरा कम्युनिटी का जो हमारा कॉम्प्लेक्स था उसकी बड़ी इन लोगों ने हेल्प की, वैक्सीनेशन से लेकर और जो भी इमरजेंसी कुछ होती थी तो इनके टीम जो है एम्बुलेंसेस वगैरह आते थे। तो पहली बार वो जो होता ना कि आपको एहसास जो होता है कि आपके आसपास में अच्छा हॉस्पिटल और फैसिलिटी होना, जो इनका मलाड में टुंगा हॉस्पिटल है और ये जो हॉस्पिटल इन्होंने खोला है आई गेस 60 बेड का है, और इस एरिया में इस तरह का बुटीक एक मेडिकल फैसिलिटी होना बहुत अच्छी बात है, जो कि अफोर्डेबल प्राइसिंग है ना सर। तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है और हमारे कॉम्प्लेक्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये 2-4 मिनट की दूरी पे, और बहुत बहुत मतलब इसमें ईश्वर करे लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो उनको अफोर्डेबल प्राइसिंग में उनकी देख रेख हो, देखभाल हो। देखो कोविड में ये रियलाइज़ किया खासतौर पर, क्योंकि कोविड जो है टर्निंग पॉइंट है हम सबकी ज़िंदगी का, हम लोगों ने अपने आसपास अपने दोस्तों को अपने रिलेटिव्स को ऐसे जाते देखा या मौत को करीब से मिलकर आते देखा है, तो मुझे लगता है कि हम सबको ख्याल रखना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके, हम लोग एक हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में हैं, लेकिन मैं वही बात दोबारा दोहराता हूँ कि ना आना पड़े, भगवान ना करे हॉस्पिटल आना पड़े, ओनली फॉर हेल्थ चेकअप, ओनली हाँ रूटीन चेकअप, हाँ रूटीन चेकअप के लिए बेसिक उसके लिए आना पड़े, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो सेहत का अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज खाने पीने का ख्याल रखें। जी जी, देखिए क्या है कि अगेन इसमें भी कोविड एक माइलस्टोन है, कोविड की वजह से लोगों की आदतें बदली, लोगों को लगा कि घर में बैठे अगर हमको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, OTT मिल रहा है, हम लोग शोज़ और फिल्में देख रहे हैं तो हम सिनेमा हॉल क्यों जाएं, लेकिन ये एक तरह का एक ऐसा फिल्म है जो मैंने मुझे कह सकता हूँ कि बधाइयों में मैंने देखा कि जहाँ पर ऑडियंस फैमिली के साथ, फैमिली ऑडियंस जा रही थी। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान जो मेरा कोविड से पहले लास्ट थिएट्रिकल रिलीज था उसमें देखा कि ऑडियंस आ रही थी, और ये एक बार फिर से नज़र आ रहा है कि यार एक हफ्ते बाद भी कल जैसे दिल्ली में मेरे एक दोस्त ने देखा, गुड़गांव में, उन्होंने बताया कि 200-250 का जो थिएटर था वो जैम पैक था और लोग इंजॉय कर रहे थे और फैमिली के साथ थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का कि एक इस तरह की फिल्म को, जिसके अंदर हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्टर ने एक मैसेज दिया हुआ है, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमारे कॉम्प्लेक्स में, हमारी बिल्डिंग में एटलीस्ट 80-90% लोगों ने देखा, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।